हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, तो आज हम करने वाले 125 सीसी सेगमेंट में आने वाली स्कूटी का रिव्यू, जिसका नाम है यमहा रेजर 125। ठीक है, 125 सीसी में इंजन इसमें आता है। और जो है बाकी अगर मैं आपको बता दूं शोरूम सारी डिटेल्स और जो गैरेज में आपको लास्ट में दिखाई दूंगा और शोरूम का बाहर का जो आउटर इमेज है सब कुछ मैं आपको दिखाई दूंगा, उससे पहले हम जो है इसका लुक देख लेते हैं सभी साइड से यमहा रेजर का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चेकआउट करते हैं इसका लुक। दोस्तों, हमने असेंबली साइड से इसका जो इमेज देख लिया है, तो भाई चलिए हम फ्रंट से इसका रिव्यू अभी स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं अभी इसका की ऑन कर देता हूं। भाई की ऑन करने के बाद इसकी लुक आप देख लीजिए एक बार, तो कुछ आपको फ्रंट साइड से ऐसे इमेज इसका मिलने वाला है। मतलब यहाँ पर जो थोड़ी सी एलईडी का यूज़ कर रखा है, जिसका जो वाई का शेप आपको यहाँ पे दिख सकते हो, यहाँ पे हैलोजन के इंडिकेटर्स आते हैं और बाकी यहाँ पे छोटा सा वाइजर वगैरह दिया गया है जो कि फाइबर पार्ट है। और यहाँ पे ब्लू कोर हाइब्रिड की ब्रांडिंग आप देख सकते हो अच्छी तरह। ठीक है, और यहाँ पे आता है पूरा यामा की ब्रांडिंग, स्टिकर फिनिशिंग। ठीक है, अभी जो है फिलहाल इसकी को बंद कर देते हैं, बैटरी जो इसकी ड्रेन हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर बाद में आता है यहाँ पे इसका नंबर प्लेटिंग जगह यहाँ पे आती है, फिर यहाँ पे पूरा आता है एलईडी का स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे 3 बल्ब का आपको सपोर्ट मिलता है जो कि छोटा सा, मतलब यहाँ पे मेन है, बाकी तो आप नीचे देख ही सकते हो। ठीक है, अभी जो लाइट है बिना इंजन ऑन करे ऑन होती ही नहीं है। ठीक है, जब तक आप इसका इंजन ऑन नहीं करते स्कूटी का, तब तक ये बंद रहने वाले हैं परमानेंटली। फिर बाद में अगर आप देख पाओगे ना, यहाँ पे पूरा फाइबर पार्ट है और यहाँ पे थोड़ी ग्लॉसी फिनिशिंग दी गई है जो कि इसकी चमक को बढ़ा रही है। फिर बाद में अगर आप साइड से देख पाओगे तो कुछ आपको ऐसा कलर मिलने वाला है भाई, थोड़ा सा डार्क रेड और ब्लैक का इसमें कॉम्बिनेशन आता है। फिर से यहाँ पे स्टिकर फिनिशिंग में आप यामा का जो लोगो है उसकी बैजिंग देख सकते हो, काफ़ी मतलब फिसलन से, मतलब यहाँ काफ़ी ऐसी ग्लॉसी आती है। और यहाँ पे पूरा जो पार्ट देख रहे हो आप, पूरा पूरा फाइबर पार्ट है, यहाँ पे कहीं भी लोहे का यूज नहीं करा गया है। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो भाई इसका पूरा डिस्क ब्रेक जो कि आता है पूरा 220 mm का, मतलब काफ़ी सारे, मतलब यहाँ पे बड़े साइज का आपको यहाँ पे डिस्क पैड देखने को मिलता है, डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। और इसकी जो डिस्क के पैड है ना, काफ़ी बड़ा लगता है। जो प्लेट आप देख रहे हो ना, काफ़ी ज़्यादा इसके लुक को इम्प्रूव करा रही है, यहाँ पे काफ़ी स्पोर्टी फील दे रहे हैं। फिर बाद में यहाँ पे इसमें UBS के यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है। फिर बाद में इसके जो टायर है आपको एक बार चेकआउट करा दूँ। दोस्तों, यहाँ पे अच्छी तरह देख सकते हो, यहाँ पे आते भाई 1990-12 के टायर्स, आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 1990, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा अंधेरा सा ही तो भाई एडजस्ट करना पड़ रहा है। फिर बाकी अगर आप पीछे से इसका लुक देखते हो, यहाँ पे अच्छी तरह रेजर की ब्रांडिंग देख सकते हो, इन क्रोम फिनिशिंग या सॉरी क्रोम फिनिशिंग नहीं, स्टिकर फिनिशिंग है। यहाँ पे कोई भी क्रोम का यूज नहीं करा गया है, यहाँ पे 125 इंजन डिस्प्लेसमेंट सॉलिड गियर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे जो पूरा है पार्ट है ये भी फाइबर में आता है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत, मतलब ये जो पूरे पार्ट आप देख रहे हो वो 100% प्योर फाइबर के हैं। फिर बाद में आप इसका डैशबोर्ड देख सकते हो, डैशबोर्ड हम फिलहाल बाद में देखेंगे। फिर बाद में आता है इस पीछे की साइड, यहाँ पे आपको हाथ को पकड़ने के लिए कुछ इतनी सी जगह दी हुई है जो कि ठीक ठाक है और मजबूत सी है। ठीक है, मुझे लगा पहले फाइबर दिया ये भी, लेकिन ये नहीं, ये लोहे का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, लोहे का नहीं लेकिन मेटल का बना हुआ है जो कि अच्छी खासा मजबूती के साथ आता है। फिर बैक साइड की अगर आप मैं इसकी प्रोफाइल बता दूँ टायर की, तो तो बैक साइड का टायर आता है यहाँ पे 110-90-10 का टायर से आते हैं बैक साइड पे आता है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं भी डिस्क ब्रेक का यूज़ नहीं करा गया, यहाँ पे ड्रम ब्रेक ही आपको मिलता है। फिर बाद में यहाँ पे अगर आप साइलेंसर देख पाओगे, यहाँ पर जो है फिर से फाइबर की यहाँ पे जो है फिनिशिंग दी गई है भाई, मतलब गार्ड हम जिसे कहते हैं, यहाँ पे फाइबर की फिनिशिंग दी गई है। अगर वो लोहे की देते तो और बेटर हो सकता था मेरे हिसाब से तो, लेकिन ये भी ठीक है भाई, इतनी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन एक भाई समय होता है अगर ज़्यादा हीट हो गया है अगर साइलेंसर, तो भाई इसको भी पिघला सकता है बाई चांस, ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन भाई ज़्यादा हीट हो गया तो उसको भी कुछ कम समय नहीं लगता पकड़ने को, कोई भी पिघल सकता है अगर ज़्यादा हीट इसका साइलेंसर होता है तो। फिर बाद में यहाँ पे यामा की बैजिंग फिर से देख सकते हो साइलेंसर पर, और यहाँ पे फिर से आप 125 का इंजन देख सकते हो। इसकी जो पूरी स्पेसिफिकेशन है वो अपने स्क्रीन पर आप भी देख ही सकते हो, मैंने जो पूरे मेन पॉइंट लिए है, माइलेज वगैरह, टॉर्क कितना प्रोड्यूस करता है अपने इंजन, वो सब कुछ लिखा हुआ है डिटेल्स में, सिर्फ 5 पॉइंट लिए। ठीक है, देख लिया। फिर बाद में यहाँ पे आप इंजन का ऑयल चेंज का सिस्टम यहाँ से देख सकते हो, काफ़ी भार आया है, मतलब यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए काफ़ी सिंपल जगह से दी गई है। फिर बाद में यहाँ पे फुल्ली एडजस्टेबल फुटरेस्ट आप देख सकते हो। ठीक है,
और बाद में अगर हम बैक साइड की लुक की बात करें तो कुछ आपको ऐसा इसमें बल्ब मिलता है भाई बैक साइड, मतलब जो टेल लाइट है इसका, ठीक है। नीचे रिफ्लेक्टर भी मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पे अपनी नंबर प्लेट की जगह यहाँ पे रहने वाली है कुछ, ठीक है। और यहाँ पे फिर से लाइट भी दिया गया है एलईडी का, और यहाँ पे पूरा बम्पर का एंडिंग होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कुछ खास नहीं है, फिर बाद में यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी यूज़ करे गए भाई, इस साइड से भी है और उस साइड से भी है। और बाकी इसमें हाइड्रोजन के इंडिकेटर्स आते हैं जो कि काफ़ी हार्ड है, फ्लेक्सिबल बहुत कम ही लग रहे हैं। फिर बाद में यहाँ पे फिर से रेजर की ब्रांडिंग, 125cc की ब्रांडिंग अगर आप यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर में, व्हाइट कलर के स्टिकर से। यहाँ पे आप मोनोशॉक्स देख सकते हो इसका सिंगल सा, यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरह हाइड्रोलिक शॉक्स। फिर बाद में यहाँ पे पूरा जो पार्ट है ये फाइबर में आता है, और जो नीचे ये मेन लोहा है इतना सा पार्ट इसका एडजस्ट भी होता है। और बाकी अभी फिलहाल गाड़ी है बड़े स्टैंड पे खड़ी है, ये हुआ इसका मेन स्टैंड अंदर के साइड, ठीक है। यहाँ पे फिर से फुल्ली एडजस्टेबल फुट रेस्ट, कुछ ऐसी बात है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे जो टायर्स आते हैं भाई यूरो ग्रिप की तरफ से आते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीएट या हमारे वगैरह यूज़ नहीं कर रखा है, यहाँ पे डायरेक्ट यूरो की तरफ से आते हैं जो कि बजाज भी यूज़ करती है कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर भाई इसकी सीट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो जन तो कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन, मतलब कुछ आपको ऐसी सीट्स मिलती है और कंफर्टेबल भी है भाई, ना ज़्यादा ऊपर नीचे भी नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे आपको पोजीशन मिलने वाले जहाँ पे दो जन भी आराम से राइडिंग का मजा उठा सकते हैं। फिर बाद में आते हैं इसके डैशबोर्ड के बाद, तो भाई डैशबोर्ड पे यहाँ पे कुछ खास फीचर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत मिसिंग लग रही है वो है भाई इसका चार्जिंग पोर्ट। यहाँ पे कहीं ना कहीं आने देना होना चाहिए था भाई, कहीं ना कहीं एक चार्जिंग पोर्ट तो होना जरूरी है स्कूटी में। और दूसरी बात की बहुत बड़ा यहाँ पे ग्लो बॉक्स ही अवेलेबल नहीं है, जो कि बहुत बड़ा माइनस पॉइंट लगा। फिर बाद में यहाँ पे सिर्फ छोटी सी हुक है जहाँ पर आप थोड़ा सा मतलब 2 से 3 kg तक का वजन यहाँ पे टांग सकते हो भाई, कुछ ज़्यादा मतलब मजबूत नहीं है लेकिन ठीक है फिर भी। लेकिन यार एक ग्लो बॉक्स तो कम से कम सिंगल इस साइड से या फिर उस साइड से कम होना ही चाहिए था ग्लो बॉक्स, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, कहीं ना कहीं वो माइनस पॉइंट लगे रहा है मुझे को तो। और वही चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है जो कि माइनस पॉइंट लग रहा है। फिर बाद में आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे बटन्स मिलते हैं भाई, ये हुआ डिपर, ये हुआ अपर, ये हुआ डिपर, ये हुआ पासिंग, ठीक है। अगर आप यहाँ से अच्छी तरह देख पाओगे यहाँ पे पास लिखा हुआ अच्छी तरह नीचे के साइड, अगर आप पीछे नीचे प्रेस करते हो ये हुआ पास। अभी इस फिलहाल डिपर पे ये हुआ अपर डिपर, ये हुआ पास। फिर बाद में आता है इसका इंडिकेटर का, ठीक है, लेफ्ट राइट देन हिस हॉर्न एंड देन हेयर इज, यहाँ पे मेन इंजन ऑन ऑफ का स्विच है, और ये हुआ इसका मेन स्विच, और यहाँ से आप इंजन ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों बाद में यहाँ पे फिर से स्टिकर फिनिशिंग में यहाँ का लोगो आप देख सकते हो। फिर अभी जो है मैं इसका की ऑन कर रहा था, फिर इसकी लुक आप देख लीजिए एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो कैसा आपको ऐसा लुक मिलता है। पूरा का पूरा ओडोमीटर शो कर रहा है, यहाँ पे फ्यूल की लेवल है, यहाँ पे स्पीडोमीटर शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक बटन भी दिया हुआ है भाई, इसको भी हम देख लेते हैं एक बार चला गए, तो यहाँ पे कुछ स्लेट वगैरह लिखा हुआ है, किलोमीटर ओडोमीटर ट्रिप शो, सिर्फ दो ऑप्शन ही इसमें है। फिर से एक बार आपको इसको ऑन ऑफ करके दिखाई देता हूँ, आपको इसे एक बार लुक दिखा दो भाई कैसी मतलब रहती है, पहले भी दिखा चुका हूँ। यहाँ पे इको, तो यहाँ पे कुछ ऐसे लाइट्स वगैरह चमकते, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में कुछ मुझे खास तो नहीं लगा भाई पर्सनली, फिर भी ठीक है। और कुछ ऐसा शेप मिलता है, काफ़ी छोटा लगता है, लेकिन इसके हैंडल के साइज के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा मतलब ठीक ठाक फिक्स साइज में आता है। फिर बाद में अगर पीछे के साइड आप मिरर्स देखोगे ना, वो भी कहीं ना कहीं थोड़े से मुझे छोटे लग ही रहे यार, छोटे ही है यार, मतलब थोड़े से अगर और बड़े होते ना 20% इसमें और कांच बड़े होते तो ज़्यादा बेटर हो सकता था मेरे हिसाब से। और फिर भी ठीक है भाई, एडजस्ट कर दिया है उसने कंपनी ने इतना भी। और बाकी यहाँ पे कुछ खास तो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इसका थ्रोट खींचने का कुछ ऐसा है, फ्रंट ब्रेक एंड दिस इज रियर ब्रेक हियर। और भाई जो व्हील शेप है ना काफ़ी ज़्यादा यूनिक है भाई, मुझे यूनिक अगर आप एज कम्पेयर टू बाकी जो स्कूटी उसका अगर कंपेयर करते हो ना, थोड़ी यूनिक सा ही लगता है भाई। और कुछ ऐसा आपको शेप मिलता है, कुछ ऐसी इसकी जो कॉलम्स है ऐसा मिलते हैं आपको ब्लैक कलर में फुली, ठीक है। और यहाँ पे आप सस्पेंशन देख सकते हो साधारण वाले, इधर तो कुछ खास नहीं है। और कुछ ऐसा मिलता है भाई इसका लुक, बम्पर काफ़ी हाफ है, यहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग आप देख सकते हो, काफ़ी सारी कुटियों की यहाँ पे होती है, यहाँ पे इसका इधर आधे में ख़त्म कर दिया गया है मामला, ठीक है। तो ऐसा कुछ है भाई इसका पूरा मामला। तो कैसा लगा आपको ये यामाहा रेजर का लुक, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना रिव्यू का होता है ख़त्म। तो अब जो है लास्ट दोस्तों कुछ बाहर का लुक आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, यामाहा का मेन शोरूम है, और यहाँ पे गया आउटर, यहाँ पे एंट्री पॉइंट, और कुछ यहाँ से आप साइड से देख सकते हो कुछ ऐसा लुक आता है भाई यहाँ पर, ठीक है। और जो पता है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने अभी जो लास्ट में आपको गैरेज दिखाने की बात करी थी, तो वो भी हम देख लेते हैं एक बार गैरेज कैसा है, सर्विस सेंटर में इनका काम कैसे चलता है वो भी एक बार आपको दिखाई देता हूँ।
तो सर्विस सेंटर वहाँ पर है और जो मैं यहाँ पे जाके आया हूँ भाई यामा के सर्विस सेंटर में, तो वहाँ पे जो है कुछ भी एक भी गाड़ी थी नहीं है, सिर्फ एक गाड़ी की वॉशिंग चालू है और बाकी गाड़ी जो है बाहर वेटिंग कर रहे हैं। वो जो काम के लोग थे भाई आज अब्सेंट है, मतलब आज कुछ कारण की वजह से दो लोग थे वो अभी इधर आए नहीं है, तो इसलिए मैंने उसका इंटरव्यू आपको दिखाना कैंसिल कर दिया है। लेकिन वहाँ पर जो है सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी है जो कि बाहर की साइड और अंदर की साइड दो तीन R15 खड़ी थी जो कि सर्विस बंद थी, इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं अंदर का। बाकी कुछ नहीं भाई, एक ना एक दिन आपको इसका शोरूम का इंटरव्यू एक बार दिखाई दूंगा, ठीक है। तो ये था भाई कुछ आज के इस रिव्यू में, तो कैसे रहेगा रिव्यू कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप इसी शोरूम से बाइक खरीदना चाहोगे तो ऑल डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, बाय बाय।